दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जिस प्रकार 2023 में आपने हमें बहुत सारा स्नेह दिया, अब 2024 आने वाला है और हम 2024 पे ही चर्चा करेंगे। आज हम जिस अंक पे चर्चा करेंगे ये अंक है एक अंक, जिसकी भी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 हो इसका टोटल अंक एक बनता है। और अब हम 2024 को जोड़ें, क्या एक अंक का 24 का साल कैसा रहेगा, एक अंक के जातकों का संबंध 8 अंक के साथ कैसा रहेगा, हम इस वीडियो में जानते हैं। तो 2024 को टोटल करते हैं, 2+0+2+4 इसका टोटल अंक होता है 8 अंक। 2024 का टोटल अंक 8 अंक है। 8 अंक का स्वामी शनि देव, शनि को कर्म और न्यायाधीश कहा गया है और एक अंक का जातक सूर्य है। अगर रिलेशन की बात करें तो सूर्य के पुत्र शनि देव हैं, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सूर्य और शनि का रिश्ता उतना मधुर नहीं है। तो 2024 का वर्ष एक अंक के जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ा सा हार्ड वर्किंग वाला साल रहेगा। इस साल इन अंक के जातकों को हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति पे ज़्यादा विश्वास ना करें, गाड़ी धीरे चलाएं, ऑफिस में ज़्यादा समय दें और अपने कर्मचारियों के साथ एक अच्छे व्यवहार करें, क्योंकि शनि देव कर्म से चलते हैं, वो शॉर्टकट चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। भले ही सूर्य शनि के विरोधी ना हो पर शनि सूर्य को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, इसीलिए शनि सूर्य को परेशान करते हैं। तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा परेशानियां लेके आएगा, जो भी आपके काम होंगे वो डिले होते दिखाई देंगे। आप अगर प्रॉपर्टी के फील्ड में हो, शेयर के फील्ड में हो और रियल इस्टेट के फील्ड में हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य हो, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ कार्य हो, एजुकेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य हो, इस फील्ड में तो थोड़ी सफलताएं देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नौकरी अगर आप कर रहे हैं और इससे अदर कोई फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस साल आपको गाड़ी बहुत स्लो चलाएं, सीढ़ी से धीरे धीरे उतरें, धीरे धीरे चलें और कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, किसी व्यक्ति को कर्जा ना दें और पिछले पुराने समय का कर्जा है जिसे आप मांगने जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं तनाव का सामना करना पड़ेगा। लोग आपके पैसे देते हुए इस साल नहीं दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी थाना या पुराने विवाद जो आपके ऊपर हैं वो इस साल खुलने की संभावनाएं कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। 2024 आपके लिए थोड़ा सा तनाव लेके आया है, इसीलिए आप सतर्क रहें। शनि कहते कर्म से चलें, तो इस साल एक अंक के जातकों को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जून जुलाई महीने के बाद से इन जातकों को थोड़ी सफलताएं मिलेगी और जो इनका प्रॉपर्टी का काम हो या इनके प्रमोशन से जुड़ा हुआ काम हो या कोई नया व्यापार का के बारे में आप सोच रहे हैं तो मई जून के बाद आपको सफलताएँ मिलेगी। अगर आपका मैरिज जीवन किसी कारणवश रुका हुआ है और मैरिज आप करते हैं तो आपको पूरे साल भर मैरिज जीवन में कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में फर्म कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ सकती है। 2024 कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो एक अंक वालों के लिए बहुत तो अच्छा नहीं है, लेकिन आखिरी के 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा सफलताएँ मिलेगी। इस साल एक अंक के जातकों को सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि रात के सफ़र को अवॉइड करें, रात में सफ़र बिल्कुल ना करें। दूसरा, वर्कआउट करें, मॉर्निंग वॉक पे निकलें और अपनी सेहत पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इस साल आप ज़्यादा टेंशन लेके कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि तनाव तो आपको रहेगा, तनाव के कारण आप में को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो तनाव लेके वर्क आप इस साल बिल्कुल ना करें। इस साल आप काले कपड़े से दूर रहें, काले कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने। इस साल के लिए आपका लकी नंबर है 6, 5, 3 और आप अपने अंगूठे के नीचे
24 नंबर प्रतिदिन लिखे, नीले कलर के पेन से 24 नंबर लिखें, इससे आपको ज़्यादा सफलताएं मिलेगी। और सफलता के लिए आप क्या करें कि कुमकुम, चावल और मिश्री डालकर प्रतिदिन सूर्य को एक लोटा जल चढ़ाएं, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नमस्कार।